इस बच्चे की किलकारी आप सुन रहे हैं, क्या आप सोच सकते हैं एक माँ अपने बच्चे को ऐसे रोता हुआ छोड़कर जा सकती है। जी हाँ, यह सही सुना आपने। जो मामला है जिला यमुनानगर के जगाधरी सिविल अस्पताल में एक माँ की ममता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यमुनानगर के जगाधरी स्थित सिविल हॉस्पिटल में जहां पर देर शाम 6 बजे एक महिला आती है और अपने साथ एक 2 महीने के बच्चे को लेकर उस अस्पताल में वार्ड रूम में जाकर उस बच्चे को किसी और के पास बहाना बनाकर वहां पर छोड़कर चली जाती है। काफ़ी समय देर तक वह उसके पास कोई नहीं जाता तो यह सूचना सिविल अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टरों को दी जाती है। वह तुरंत इसकी सूचना पुलिस को देते हैं और डॉक्टर पूनम चौधरी का कहना है कि अभी इस तक किसी भी तरह का हमें पता नहीं चल पाया है कि यह बच्चा किसका है। हमने चाइल्ड वेलफेयर को भी इसकी सूचना दे दी है और उन्होंने बच्चे को भी देख लिया है। यदि उनके परिवार वाले नहीं आते हैं तो बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी को सौंप दिया जाएगा। कल शाम को करीब 6 बजे के करीब हमारा एक आइसोलेशन वार्ड है जहाँ पे हम डिलीवर्ड पेशेंट्स को लिटाते हैं, तो एक कोई फीमेल अटेंडेंट एक और हमारे मरीज़ के हाथ में अपने 2-2.5 महीने की बच्ची को सौंप कर थोड़ी देर के लिए कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ ये कहकर चली गई और 2 घंटे तक वापस नहीं आई, तो पेशेंट ने वो बच्चा हमारे स्टाफ को सुपुर्द कर दिया। बच्चा अभी हमारे पास SNCU में है, बच्ची बिल्कुल ठीक है और पुलिस को हमने इन्फॉर्मेशन इतला कर दी है। चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी भी आके अभी उन्होंने भी बच्चे को देख लिया। नहीं, उनकी कोई पहचान नहीं है क्योंकि किसी ने उस पर इतना ध्यान नहीं किया। अटेंडेंट ने सोचा कि वो वापस आ जाएगी, जब वो 2 घंटे तक वापस नहीं आई तो उन्होंने फिर बच्चा हमारी स्टाफ को सौंप दिया। खाना पीना दूध हम उसको बच्चे को अपनी तरफ से दे रहे हैं, बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। अगर 1-2 दिन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, अगर कोई उसका कुछ नहीं मिलता अटेंडेंट या कुछ, तो उसको शिशुगृह पंचकुला या कैथल में भेज दिया जाएगा।